हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा जो हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस है वो समझाने वाली हूँ डायग्राम की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्यूज्ड एल्युमिना से। फ्यूज्ड एल्युमिना मतलब मोल्टेन एल्युमिना। एल्युमिना को मेल्ट करते हैं और मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है जिसमें जो एल्युमिना होता है वो रिड्यूस हो जाता है एल्युमिनियम में और इस प्रोसेस को कहा जाता है हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस। इससे पहले मैंने आप लोगों को बेयर्स प्रोसेस बताया था जिसमें बॉक्साइट को एल्युमिना में कन्वर्ट किया था। तो वो जो एल्युमिना फॉर्म होता है उसको मेल्ट करवाते हैं, उसको फ्यूज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है जिसमें एल्युमिना जो होता है वो रिड्यूस होता है और एल्युमिनियम फॉर्म होता है। तो गाइस, इस प्रोसेस को कहते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का फ्यूज्ड एल्युमिना का, इसको कहा जाता है हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस। क्योंकि ये जो प्रोसेस था वो दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, दैट इज हॉल एंड हेरॉल्ड्स। तो उनके नेम पर इस प्रोसेस का नाम रखा गया है हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस। तो गाइस, पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो वो सेल किसका बना हुआ है? तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर आयरन टैंक होता है विद स्लोपिंग बॉटम। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। ये जो टैंक है दिस इज रेक्टेंगुलर शेप का, आप देख ही सकते हो। और आयरन का टैंक है जिसका जो बॉटम है ये स्लोपिंग बनाता है। स्लोपिंग बॉटम इस वजह से बनाते हैं ताकि जो मोल्टेन एल्युमिनियम फॉर्म हो रहा है वो इजीली कलेक्ट किया जा सके। तो इस वजह से ये जो बॉटम बनाते हैं वो थोड़ा स्लोपिंग बनाता है। देन इसके साथ साथ जो टैंक होता है इसको लाइन अप किया जाता है गैस कार्बन से। तो आप देख सकते हो ये जो टैंक है इसके अंदर यहाँ पे ये गैस कार्बन प्रेजेंट है। ये जो ब्लैक है दिस इज कार्बन लाइनिंग, कार्बन की लाइनिंग है जिसको कैथोड बनाते हैं। इसको क्या बनाते हैं यहाँ पर? कैथोड। तो आप देख सकते हो ये जो लाइनिंग है यहाँ पे इसको वायर से कनेक्ट करा है और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस ये है यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज कैथोड। ठीक है, यहाँ पे वायर, कॉपर वायर से इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये यहाँ पे क्या बन गया? कैथोड। और गाइस यहाँ पे जो एनोड बनाते हैं वो कार्बन की रॉड बनाते हैं। कार्बन मतलब ग्रेफाइट कह सकते हैं क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन की फॉर्म है। तो यहाँ पर ये जो रॉड है दिस इज कार्बन या फिर ग्रेफाइट कह सकते हैं क्योंकि ग्रेफाइट अगेन कार्बन ही होता है। तो ये हो गया ग्रेफाइट का एनोड जो कि पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो इसको कनेक्ट करा है वायर से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो गाइस ये जो एनोड होता है ये आप देख सकते हो अंदर की साइड सस्पेंडेड है। यहाँ पर ये है इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल है। तो इलेक्ट्रोलाइट में ही जो एनोड की रॉड्स है ये अंदर की साइड इलेक्ट्रोलाइट में सस्पेंडेड है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करा है जिसमें ये मिक्सचर लिया है ये क्या है? तो गाइस ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये मिक्सचर होता है मोल्टेन एल्युमिना का जो कि 20% होता है, साथ में क्रायोलाइट होता है। गाइस क्रायोलाइट एल्युमिनियम का ही दूसरा ओर होता है जिसको 60% लेते हैं और साथ में फ्लोर स्पान लेते हैं। गाइस फ्लोर स्पान होता है कैल्शियम फ्लोराइड जिसको 20% लिया जाता है। तो तीनों का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखे हैं। एल्युमिना क्या हो गया? एनहाइड्रस एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तो ये हो गया एल्युमिना। देन क्रायोलाइट होता है Na3AlF6, दैट इज सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड। और फ्लोर स्पार क्या होता है? कैल्शियम फ्लोराइड, दैट इज CaF2। तो गाइस इन तीनों का मिक्सचर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर जो मोल्टेन एल्युमिना लेते हैं वो 20%, क्रायोलाइट 60% एंड फ्लोर स्पार अगेन 20%। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे सिर्फ मोल्टेन एल्युमिना ही क्यों नहीं लिया, यहाँ पे क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार को क्यों यूज किया गया है और सिर्फ मोल्टेन एल्युमिना क्यों नहीं लिया गया है।
तो गाइस जो एल्यूमिना होता है वो मेल्ट होता है हाई टेम्परेचर पर। जो एल्यूमिना है, जो बॉक्साइट से एल्यूमिना फॉर्म होता है, उसको मेल्ट किया जाता है। तो जो एल्यूमिना होता है वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, अराउंड 2500 टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर पर? 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये मेल्ट होता है। और इस टेम्परेचर पे जो एल्युमिनियम होता है वो वेपराइज हो जाता है। तो जब एल्युमिनियम वेपराइज हो जाएगा तो वेपराइज एल्युमिनियम को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है ऑब्वियसली। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी, पहले बहुत ये एक डिफिकल्टी थी कि कैसे एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि जो एल्युमिना होता है वो मेल्ट हाई टेम्परेचर पर होता है, और उस टेम्परेचर पे जो एल्युमिनियम होता है वो वेपराइज हो जाता है, और वेपराइज एल्युमिनियम को कलेक्ट करना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो गाइस उसके बाद जो हॉल थे इन्होंने इस डिफिकल्टी को दूर किया। इन्होंने क्या करा, जो एल्युमिना है उसके साथ साथ क्रायोलाइट लिया, जो कि एल्युमिनियम का दूसरा ओर होता है, और फ्लोर स्पा लिया। तो इन दोनों को एज अ सॉल्वेंट यहाँ पर यूज करा और फिर वही इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाया। तो उन्होंने देखा कि जो कैथोड है वहां पर शाइनी एल्युमिनियम के ग्लोब्यूल्स जनरेट होने लगे। ग्लोब्यूल्स मतलब स्मॉल ड्रॉपलेट्स, है ना। तो उन्होंने देखा कैथोड पर शाइनी एल्युमिनियम के ड्रॉपलेट्स जनरेट होने लगे। अब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए ये चीज को देखकर। उन्होंने वहां से एल्युमिनियम को कलेक्ट करा। वो एक्साइटेड होकर अपने प्रोफेसर के पास भागते हुए गए। उन्होंने उन्हें वो मेटल दिखाया। तो इस टाइप से इस प्रोसेस के थ्रू एल्युमिनियम को जनरेट करने की डिस्कवरी हुई, है ना। गाइस इससे पहले जो एल्युमिनियम था वो बहुत ज्यादा कॉस्टली और बहुत रेयर मेटल था, पर जब उन्होंने ये प्रोसेस डिस्कवर किया उसके बाद जो एल्युमिनियम है ये बहुत ज्यादा चीप और कॉमनली यूज मेटल बन गया। तो आप सोच सकते हो कि ये प्रोसेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से एल्युमिनियम एक चीप और कॉमनली यूज मेटल बन गया, है ना। तो गाइस यहाँ पर जो क्रायोलाइट इन्होंने यूज करा, क्रायोलाइट क्यों यूज करा, क्रायोलाइट यहाँ पर क्या कर रहा है, ये लोअर कर रहा है फ्यूजिंग टेम्परेचर एल्युमिना का, जो कि एल्युमिना मेल्ट हो रहा था कितने पर, 2500 पर। जब क्रायोलाइट लिया तो फिर एल्युमिना मेल्ट हो गया कितने टेम्परेचर पर, 950 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप देख सकते हो जो एल्युमिना इतने टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा था, तो जब क्रायोलाइट यूज करा तो वो कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो गया, 950 डिग्री सेल्सियस पर। और इस टेम्परेचर पर जो एल्युमिनियम होता है वो वेपराइज नहीं होता, तो इस वजह से यहाँ पे क्रायोलाइट लिया। और साथ में जो क्रायोलाइट होता है वो कंडक्टिविटी को भी बढ़ाता है ना, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। प्लस इसके साथ साथ जो क्रायोलाइट और जो फ्लोर स्पार है ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं इसमें सॉल्वेंट की तरह एक्ट करते हैं और साथ में कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि गाइस जो प्योर एल्युमिना होता है वो ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर सिर्फ एल्युमिना लेते, प्योर एल्युमिना लेते, तो वो नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार को एज अ सॉल्वेंट लिया है और ये दोनों यहाँ पे कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्रायोलाइट एंड फ्लोर स्पार को भी लिया गया है। तो यहाँ पे ये रीजन पूछा जाता है, ये रीजन याद रखिएगा। क्रायोलाइट का रीजन ये है कि जो क्रायोलाइट होता है वो एल्युमिना के जो फ्यूजिंग टेम्परेचर है जिसपे वो मेल्ट हो रहा था उसको कम करता है। इतने टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा था तो उसको कम करके 950 पे वो मेल्ट हो जाता है जब क्रायोलाइट यूज करते हैं। साथ में क्रायोलाइट एंड फ्लोर स्पार सॉल्वेंट की तरह एक्ट करते हैं और कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि जो प्योर एल्युमिना होता है दैट इज ऑलमोस्ट द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। देन गाइस यहाँ पर जो मोल्टन एल्युमिना लिया है, क्रायोलाइट लिया है और जो फ्लोर स्पार लिया है, ये 1:3:1 के रेशियो में लिया है। देख सकते हो आप, ये 20%, ये 60% और ये 20% अगेन। तो 1:3:1 के रेशियो में हम ये ले रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है गाइस यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके ऊपर पाउडर कोक को स्प्रिंकल किया जाता है। जो सरफेस होता है इलेक्ट्रोलाइट का, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, मिक्सचर ले लिया इन तीनों का, फिर इसके ऊपर इसके सरफेस पर पाउडर कोक को स्प्रिंकल करते हैं। तो यहाँ पे पाउडर कोक को स्प्रिंकल क्यों करते हैं, अगेन इसका भी एक रीजन होता है। गाइस यहाँ पे जो पाउडर कोक होता है ये रिड्यूस करता है हीट लॉस को बाय रेडिएशन।
क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हीट इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा तो ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये हीट लॉस को प्रिवेंट करता है बाय रेडिएशन। और जो दूसरा रीजन है दैट इज प्रिवेंट बर्निंग ऑफ एनोड, एनोड को, एनोड की बर्निंग को ये प्रिवेंट करता है, एनोड को जलने नहीं देता। तो ये दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसके ऊपर, इसके सरफेस पर पाउडर्ड कोक को स्प्रिंकल किया जाता है। पहला रीजन कि ये जो हीट लॉस होता है उसको प्रिवेंट करता है बाय रेडिएशन, और दूसरा रीजन ये है दैट जो एनोड होता है उसकी बर्निंग को ये प्रिवेंट करता है, मतलब एनोड को ये जलने नहीं देता। क्लियर? तो गाइस यहाँ पे रीजन पूछे जाते हैं हर किसी के कि क्रायोलाइट क्यों यूज कर रहे हैं, फ्लोर स्पार क्यों यूज कर रहे हैं, पाउडर को क्यों यूज किया गया है, तो सबके आपको रीजन याद रखने हैं, है ना। अब आते हैं यहाँ पे टेम्परेचर पर कि टेम्परेचर कितना दिया है। तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे जो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है, जो इलेक्ट्रोलाइट दिया है मोल्टन फॉर्म में दिया है, तो इसका जो टेम्परेचर रखा है That is 950 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इस टेम्परेचर पर यहाँ पे जो मोल्टन जो एल्यूमिना है वो मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि क्रायोलाइट ऑफ फ्लोर स्पार भी ले रहे हैं, तो जो टेम्परेचर रखते हैं दैट इज 950 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं तो जो हीट होगी वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही जनरेट होगी, है ना। तो टेम्परेचर को रखते हैं यहाँ पे 950 डिग्री सेल्सियस। और जो यहाँ पर वोल्टेज यूज किया जाता है दैट इज 5 to 6 वोल्ट। आप देख सकते हो वोल्टेज यहाँ पे बहुत कम यूज कर रहे हैं, 5 to 6 वोल्ट ही बस वोल्टेज यूज करते हैं। गाइस यहाँ पे रीजन पूछा जाता है अगेन कि यहाँ पे कम वोल्टेज क्यों यूज किया जाता है। तो गाइस कम वोल्टेज इस वजह से यूज कर रहे हैं यहाँ पे ताकि जो मोल्टन क्रायोलाइट है ये डीकम्पोज ना हो जाए, है ना, इसके डीकम्पोज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर लो वोल्टेज यूज करा जाता है। क्लियर? अब आते हैं मेन रिएक्शन पर कि जब इलेक्ट्रिक करंट ऑब्वियसली पास होगा जो, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में ब्रेक होगा, तो रिएक्शन पर आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्रायोलाइट की। तो गाइस क्रायोलाइट होता है Na3AlF6। अब ये ब्रेक होगा, आयंस में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे फॉर्म होते हैं 3 Na+ आयन, क्योंकि Na3 है तो Na+, देन एल्यूमिनियम Al3+ एंड देन फ्लोराइड, तो फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोराइड आयन फॉर्म होगा दैट इज 6F-, क्योंकि ये 6 है तो 6F-। नेक्स्ट आते हैं CaF2 पर। तो गाइस जो कैल्शियम है ये अपने आयन में कन्वर्ट हुआ Ca2+, और जो फ्लोरीन है ये अपने आयन में कन्वर्ट हुआ 2F-। फिर आते हैं एल्युमिना पर। तो गाइस एल्युमिना होता है Al2O3 जो कि कन्वर्ट हुआ 2Al3+, एल्युमिनियम आयन फॉर्म हुआ, और यहाँ पर ऑक्साइड आयन फॉर्म हुआ O2-, है ना। तो ये जो तीनों थे ये ब्रेक हो गए अपने आयंस में, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गए। तो गाइस यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है वो कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं, एक तो सोडियम आयन, एक एल्युमिनियम आयन और एक कैल्शियम आयन, ये तीन यहाँ पे पॉजिटिव आयन फॉर्म हो रहे हैं। गाइस रिएक्शन आप इजिली फॉर्म कर सकते हैं, बस आपको ये फॉर्मुला याद रखना है। यहाँ पे सोडियम 3 थे तो 3Na+ होता है, एल्युमिनियम एक ही था तो एक ही 3+ होता है तो Al3+, क्लोरीन यहाँ पे 6 थे तो 6F-, क्योंकि F- होता है। सेम यहाँ पे कैल्शियम 1 था, क्लोरीन 2 थे तो 2 फॉर्म हो जाएंगे, एल्युमिनियम 2 था तो 2Al3+, और यहाँ पे ऑक्साइड 3 थे तो 3O2-, है ना। तो रिएक्शन तो आप फॉर्म कर ही सकते हैं क्योंकि आपको आयंस याद ही होंगे, और सबके चार्ज सही लिखेगा, जो सोडियम है ये पॉजिटिव, ये 3+, ये 1-, ये 2+, तो सबके जो चार्ज है उसको सही लिखेगा। तो गाइस यहाँ पे 3 यहाँ पे पॉजिटिव आयन फॉर्म हो रहे हैं और 2 यहाँ पे नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहे हैं, एक तो यहाँ पे फ्लोराइड आयन फॉर्म हो रहा है और एक ऑक्साइड आयन, तो दो टाइप के यहाँ पे नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहे हैं। अब डिस्चार्ज कौन होगा, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें जो सबसे नीचे की साइड आता है वो पहले डिस्चार्ज होता है ना, ये आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे सोडियम आयन है, एल्युमिनियम आयन है और कैल्शियम आयन है, तो अगर हम पॉजिटिव आयन की बात करें तो सबसे नीचे आता है एल्युमिनियम आयन, तो डिस्चार्ज कैथोड पे कौन होगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ जाते हैं और नेगेटिव क्या है यहाँ पे कैथोड है, तो कैथोड पे डिस्चार्ज कौन होगा, एल्युमिनियम आयन। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो कैथोड लिया है वो हमने कार्बन की लाइनिंग ली है, तो इनर कार्बन लाइनिंग है ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर कार्बन लाइनिंग को हमने कैथोड बनाया है, तो कैथोड पे डिस्चार्ज कौन हो रहा है यहाँ पे, एल्युमिनियम आयन Al3+, तो 4Al3+, 3+ है,
तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। तो 4 है तो 4 3 इज 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा और ये कन्वर्ट हो गया 4 Al में। गाइस यहाँ पे ये जो एल्यूमिनियम फॉर्म हो रहा है ये मॉल्टन फॉर्म में हो रहा है, तो ये जो एल्यूमिनियम है ये यहाँ ये जो कैथोड है इसके पास ये फॉर्म हो जाएगा, तो ये है यहाँ पर मॉल्टन एल्यूमिनियम। जो मॉल्टन एल्यूमिनियम है ये यहाँ पे नीचे की साइड पर फॉर्म होने लगेगा, मॉल्टन फॉर्म में है ये, और फिर ये मूव कर, क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम बनाया है स्लोपिंग बनाया है तो ये मूव करता करता यहाँ पे टैप लिया है, तो दिस इज टैप होल फॉर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे इस टैप के थ्रू जो एल्यूमिनियम है मॉल्टन एल्यूमिनियम ये बाहर की साइड आ जाएगा और इसको कलेक्ट कर लिया जाता है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, दिस इज मॉल्टन एल्यूमिनियम, ठीक है, ये होगी कार्बन की लाइनिंग, दैट इज कैथोड। तो यहाँ पे कैथोड पर मॉल्टन एल्यूमिनियम फॉर्म होने लगेगा। अब आते हैं एनोड पर क्या होगा, तो गाइस ऑब्वियसली एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव है तो इस पे कौन से आयन जाएंगे, नेगेटिव वाले। अब नेगेटिव यहाँ पे दो है, एक है एफ नेगेटिव और एक है ओ टू नेगेटिव, तो यहाँ पर जो ऑक्साइड आयन है वो डिस्चार्ज होंगे। तो देखिए गाइस जो एनोड लिया है वो थिक रॉड ली है ग्रेफाइट की रॉड ली है एनोड, तो यहाँ पर जो एनोड की रॉड है इसको अंदर सस्पेंड कर दिया इलेक्ट्रोलाइट में, तो यहाँ पर जो ऑक्साइड आयन है वो डिस्चार्ज होंगे। तो देखिए 6O2 नेगेटिव, क्योंकि ऑक्साइड आयन है तो 2 नेगेटिव, तो 6O2 नेगेटिव, 6 2s 12 हो गए, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर देगा है ना, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 6O में। अब गाइस यहाँ पे जो ऑक्सीजन के एटम है ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो 3O+3O और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होने लगेगी है ना। तो यहाँ जो एनोड है इस एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होने लगेगी। अब गाइस ये जो एनोड है ये कार्बन के बने हैं, तो यहाँ पे जो कार्बन के एनोड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्यों ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है एनोड पर और एनोड कार्बन का बना हुआ है, तो जो कार्बन का एनोड है ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो देखिए कैसे ऑक्सीडाइज होगा, ये जो एनोड है वो कार्बन का बना हुआ है, तो गाइस कार्बन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। फर्दर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी है ना, रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ 2 2 एंड यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2 है ना। तो देखिए यहाँ पे जो एनोड है ये कार्बन का बना हुआ है, ऑक्साइड आयन गए ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होने लगी। अब जो कार्बन का एनोड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो जो कार्बन है ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई, फर्दर ये रिएक्ट करा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने लगी। इस वजह से यहाँ पे जो एनोड होता है इसको रिप्लेस करा जाता है। क्यों रिप्लेस करा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनोड है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे एनोड को रिप्लेस करा जाता है। पर गाइस जब आप लोगों से रिएक्शन पूछी जाए तो कैथोड की तो रिएक्शन आप सिंपल ये लिखेंगे, पर एनोड की रिएक्शन में बस आप ये दो रिएक्शन लिखेंगे है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है ना एनोड पे, तो बस आप ये दो रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि फिर तो क्योंकि जब ये ऑक्सीडाइज होने लगता है इस वजह से ही तो एनोड को बार बार रिप्लेस करा जाता है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, बस ये दो रिएक्शन लिखिएगा, ये मत लिखिएगा, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होने लगेगी, तो दैट्स व्हाई एनोड को बार बार रिप्लेस करा जाता है। क्लियर, तो गाइस ये पूरा प्रोसेस चलता है जिससे यहाँ पे मॉल्टन एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस किया जाता है, मॉल्टन एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है, फिर इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। गाइस यहाँ पे जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है ये एल्यूमिनियम 99.8% प्योर होता है ना, इस प्रोसेस के थ्रू जो एल्यूमिनियम जनरेट होता है ये 99.8% प्योर होता है। फर्दर प्यूरिफाई करने के लिए फिर इलेक्ट्रोलिसिस का और प्रोसेस करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, तो उससे प्योर एल्यूमिनियम जनरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो एल्यूमिनियम जनरेट हो रहा है दैट इज 99.8% प्योर एल्यूमिनियम। क्लियर, तो गाइस ये पूरा प्रोसेस हो गया, सारी चीजें याद रखिएगा कि क्या क्या यूज करा है, सबके रीजन याद रखिएगा कि क्यों हमने इस चीज को यूज करा है, क्या रीजन है, साथ में रिएक्शन, तीनों के फॉर्मूले, गाइस ये तीनों के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, और कैथोड एनोड क्या लिया है और इस पर रिएक्शन क्या हो रही है,
साथ में डायग्राम, क्योंकि गाइस डायग्राम की लेबलिंग भी पूछी जा सकती है ना। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।